आम आदमी पार्टी ने नागपुर नगर आयुक्त और कलेक्टर नागपुर से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द तैयारियां करें ताकि नागपुर शहर में बाढ़ का पानी दोबारा ना आए। आम आदमी पार्टी का कहना है, नागपुर के नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को नागपुर शहर को बाढ़ से बचाना चाहिए। पिछले साल नागपुर में आई बाढ़ के बाद 10,000 करोड़ के नुकसान और 5 नागरिकों की मौत के बाद भी सरकार और प्रशासन 1 साल से पूरी तरह से निष्क्रिय है और समय पर कोई उपाय नहीं किया गया। पिछले 15 दिनों में आम आदमी पार्टी द्वारा नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी का पूर्ण निरीक्षण किया गया है। हमने पाया कि इन तीनों नदियों की दीवारें कई स्थानों पर टूट गई है, ढह गई है। इतना ही नहीं, इन तीनों नदियों में कई जगहों पर मलबा और मिट्टी जमा हो गई है जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो गया है। पिछले साल की बाढ़ का कारण जानने के बावजूद पिछले 1 साल से लेकर सरकार और प्रशासन उचित कदम उठाने में विफल रही है। अब बारिश आ रही है और सरकार प्रशासन की अनदेखी के कारण नागपुर के नागरिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 24 मई को निरीक्षण के बाद बताया कि अंबाजरी झील क्षेत्र में प्रशासन की ओर से दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपाय किए जा रहे और सभी अल्पकालीन कार्य 3 जून से पहले पूरे कर लिए जाएंगे। वही उन्होंने कहा, अल्पकालीन कार्य करीब 21 करोड़ रुपए और दीर्घकालीन कार्य करीब 204 करोड़ रुपए के है, लेकिन यह बेहद चिंताजनक है कि उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया है। दीर्घकालीन कार्य कब पूरे होंगे? अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या इंद्र देवता अल्पकालीन व दीर्घकालीन कार्यों को पूरा करने पर रोक लगाने वाले है। नागपुर में बारिश कब शुरू होगी? अगर सरकार प्रशासन को पता नहीं है तो इससे पता चलता है कि सरकार और प्रशासन को लोगों की जान माल की कोई चिंता नहीं है। कलेक्टर कार्यालय के प्रतिनिधि और नगर निगम के प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त रूप से सारी स्थिति का निरीक्षण करें ताकि हम प्रशासन को दिखा सके कि वास्तव में किस स्थान पर पानी का प्रवाह बाधित हुआ है। मूल रूप से 3 चीजें हैं जिन्हें तुरंत करने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को स्थानांतरित करना, अंबाजरी बाधा से क्रेजे केसल तक नाग नदी के मार्ग को बढ़ाना, डागा लेआउट में स्केटिंग रिंग के अवैध निर्माण को हटाना। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए और दोषी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और आपराधिक कार्रवाई करे। महाराष्ट्र सचिव सोनू फटिंग ने कहा, सरकार और प्रशासन को 3 शिफ्ट में 24 घंटे में काम करना चाहिए और मानसून शुरू होने से पहले उचित कदम उठाना चाहिए ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो, अन्यथा आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगी। शहर अध्यक्ष अजिंक्य कलांबे ने कहा, हमारी मांग है सरकार और प्रशासन तुरंत ही हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करे और बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए उचित कदम उठाए। नागपुर शहर सचिन वाघाड़े ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वरिष्ठ नेता प्रताप गोसावी, शहीद अली जाफरी, प्रदेश सचिव सोनू फटिंग, अजिंक्य कलांबे, शहर अध्यक्ष सहित जय श्री गाड़गे एवं अन्य उपस्थित थे। 15 ते 20 दिवसांपासून आम आदमी पार्टी नागपुराच्या 10 ही झोन मध्ये जिथे पूरग्रस्त स्थिती निर्माण होऊ शकते तिथे सर्वे करत आहे। आम्ही प्रत्येक झोन मध्ये जाऊन जिथे नाल्या बुजल्या आहेत त्या सगळे काम जिथे भी फोटोग्राफ विथ कोऑर्डिनेट्स आणि तिथल्या लोकल लोकांची स्वाक्षरी घेऊन आम्ही तिथच्या सहाय आयुक्त साहेबांकडे गेलो, त्यांना निवेदन केले। 10 झोनमधून 5-6 झोनमध्ये 5-6 झोनच्या सह आयुक्त साहेबांनी आम्हाला प्रॉपरली रिस्पॉन्ड केला, पण 3 ते 4 झोनच्या सह आयुक्त साहेबांनी प्रॉपर रिस्पॉन्ड केला नाही। त्यानंतर आम्ही जे नाग नदी आहे, जे आंबाजरी गाव तिथे जे रिझर्वायरवर आणि स्किल रिव्हर तिथे विवेकानंदची मूर्ती स्थापित केली आहे, तिथून तर समोरपर्यंत आम्ही प्रत्येक स्पॉट जिथे जिथे नाले घेतले आहेत, म्हणजे मागच्या वर्षी जे पूर आलं होतं आणि त्या पुरामुळे जे नुकसान झालं, ज्या भिंती फुटल्या आहेत, तिथपर्यंत तिथे जाऊन आम्ही सगळ्या फोटोग्राफ काढल्या, की कॉर्डिनेट आम्ही कलेक्टर साहेबांना आणि आयुक्त साहेबांना आज तिथे दिले। आयुक्त साहेबांनी आम्हाला बोलले की ते तुम्ही आम्हाला सोमवारपर्यंत प्रत्येक झोनमध्ये जे तुम्ही पॉईंट स्पॉट केले आहेत तिथे तुम्ही आम्हाला तुम्ही डिटेल द्या, आम्ही आमचं प्रतिनिधीसोबत आम्ही तिथे जाऊ आणि ते काम लवकरात लवकर करू। हे सगळं ठीक आहे, आजपासून आहे, पण आज म्हणजे येणाऱ्या 10-15 दिवसानंतर मान्सून सुरू होणार आहे आणि आजही यांचे काम झाले नाही आहे। यांचं नदीसाम प्रकल्प आधी चालू आहे, ते तिथून सिल काढतात, तिकडनं पूर्ण कचरा काढतात, बाहेर ठेवतात, ते काही उचलत नाही। मग तो पुन्हा पाऊस आला की पुन्हा आतमध्ये जातो, हे सगळं सुरू आहे। हे किती दिवस असं चालणार आहे? माझा नागपूरकरांना सवाल आहे की तुम्ही या मुद्द्यांवर थोडा
सामोर यावं आणि आम आदमी पार्टीचं साथ द्यावं आपण याला वर्चस्व देऊ। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर, राजकुमार मोडके साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।